बहुत ही जबरदस्त सुपर हीरो है और मेन उसकी पावर है उसका एथलेटिसिज्म और उससे जुड़ा उसका सूट। तो वो सूट जो होता है वो वाइब्रेनियम का बना है। तो वाइब्रेनियम एक ऐसी चीज है जो कि हजारों साल पहले एक एस्टेरॉयड अर्थ पे गिरा होता है और वो माउंट बैशिंगा में उसका सारा ओर प्रेजेंट होता है। उसी को एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे नए नए सूट्स और टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एलोट्रॉपी के बारे में। तो एलोट्रॉपी क्या होती है? सर, किसी एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में होना। ठीक। और जब वो अलग अलग फॉर्म होता है तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस भी आ जाते हैं। तो अगर हम देखें कार्बन के एलोट्रॉप्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं? सर, डायमंड, ग्राफीन, ग्रेफाइट वगैरह। ओके। इसमें से कंडक्टर कौन है? सर, ग्रेफाइट। हाँ, ग्राफाइट। ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे होगी। ये जो ओर है हमारा, इससे हम तरह तरीके के एलोट्रॉप्स भी तैयार कर सकते हैं। और इन वाइब्रेनियम में अगर बॉन्ड्स की बात करें तो तीन तरीके के बॉन्ड मौजूद होते हैं। मेटलिक बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड्स हैं। ये इसके जो क्रिस्टल होते हैं इस मेटल के, उनका अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि करे कैपेसिटर्स करे हो। कैपेसिटर क्या होते हैं? कैपेसिटर्स एक पोटेंशियल के अक्रॉस कैपेसिटर्स क्या होते हैं? वो चार्ज को स्टोर करते हैं एक खास पोटेंशियल के अक्रॉस। अगर हम देखें यहाँ पे तो इनका जो अरेंजमेंट है सूट्स में, वो कैपेसिटर्स ही ऐसा लगता है बुने गए हैं पूरे सूट में। उससे होता क्या है कि जब भी कोई मैकेनिकल एनर्जी उस पर ट्रांसमिट करी जाती है तो वो उसकी वजह से कैपेसिटर कुछ चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और थोड़ी देर बाद उसी को ही ट्रांसमिट करता है पर्पल शॉक वेव के चलते। इस बात की डिस्कवरी कैसे हुई थी? पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के चलते। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पे जो सबसे पहला वर्क था वो पियरे क्यूरी और जैक क्यूरी ने किया था। उनके अनुसार क्वार्ट्स में उन्होंने देखा कि अगर वॉल्यूम में चेंज किया जाए तो वोल्टेज जनरेट हो रहा था। और कुछ ही समय बाद जॉन लिपमैन आए जिन्होंने ये बताया कि अगर वोल्टेज दिया जाए किसी चीज में तो उससे उसके वॉल्यूम में या लेयर बाय लेयर स्पेसेस में चेंजेस आने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद 1960 के अप्रोक्स डॉक्टर आइची फुकादा जो कि जापान के हैं, उन्होंने ये बताया कि जो हमारी बॉडी में मसल्स कोलाजन की बनी होती हैं वो भी इस पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को सपोर्ट कर रही होती हैं, उस पर काम कर रही होती हैं। हम लोग की बोन की ग्रोथ इसी बात पे डिपेंड करती है कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक स्ट्रेस होता है जिसको कि हमारी बॉडी की सेल्स रिसेप्टर जो होती हैं वो रिसीव करती हैं और उसके हिसाब से बिहेव करती हैं, बॉडी की मसल्स की और बोन की ग्रोथ तेजी से बढ़ाती हैं। इसमें कुछ सब्सटेंसेस बाद में बनाए भी गए जो कि पाइजो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करें जैसे कि लेड टाइटेनेट, लेकिन इसमें कमी ये थी कि ये पाउडर स्टेट में एग्जिस्ट करता था। तो अभी कोई हमारे पास सही एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो पूरी तरह वाइब्रेनियम की तरह बिहेव करे। फिर अगर देखें तो हमारे पास एक नया एलिमेंट आज की डेट में पॉसिबल है, वो है ग्राफीन जो कि ग्रेफाइट से ही बना है। वो स्टील से लगभग 200 गुना स्ट्रांग है और 6 गुना हल्का है। यही सेम चीज इसके अंदर इसको बेहतर बनाती है दूसरे किसी एलिमेंट से, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी से हमें नुकसान क्या होता है कि जो वाइब्रेनियम की क्वालिटी चाहते हैं कि वो अपने अंदर चार्ज एज अ कैपेसिटर स्टोर करे और फिर उसको ट्रांसमिट करे, वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एक बार अगर हम देखें कि ग्रेफाइन के जो मटेरियल होते हैं अगर वो टूट जाएंगे तो कंप्लीटली टूट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बॉन्ड्स टूटे जो कि हमारे मेटेलिक, कोवेलेंट और आयनिक हैं, वो थोड़ी देर के लिए टूटे और फिर वापस से रिस्टोर हो जाए जैसे कि स्प्रिंग में होता है। तो अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर्स पे कि कैपेसिटर क्या होते हैं। कैपेसिटर के बारे में ये चीज रहती है कि वो बैटरी की तरह बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और इसी वजह से उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वो जो चार्जेस होते हैं वो एक पोटेंशियल के अक्रॉस स्टोर किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट पे लगा हुआ है, उतना ही माइनस क्यू चार्ज दूसरी प्लेट पे लगा हुआ है। अब प्लस चार्ज क्या करता है? माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर हम इस पे एक बाहरी फोर्स लगाए जो कि उतने ही इक्विवेलेंट हो
जिस फोर्स से माइनस की प्लेट को पॉजिटिव प्लेट खींच रही है, तो वो जो वर्क होता है वो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक पोटेंशियल एनर्जी हमारा कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। उसके लिए अगर डेरिवेशन देखें तो फोर्स जो एक्सटर्नल होता है वो हमें कितना पुट करना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फोर्स होता है। इसी फोर्स को जब हम लोग इतनी देर तक देते हैं कि वो हमारी कैपेसिटर्स की प्लेट डी डिस्टेंस मूव कर जाए, तो एक वर्क डन होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम एफ एक्सटर्नल को इंटीग्रेट करें डी डिस्टेंस तक के लिए, तो हमको स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। वो कितनी होती है, अगर हम इस d को नीचे ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये है कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला जो बना है वो है q स्क्वायर अपॉन 2c, ये हमारे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होती है और इसी एनर्जी को ब्लैक पैंथर अपने सूट के थ्रू ट्रांसमिट करता है एक शॉक वेव पे चलते हैं। पाइजोइलेक्ट्रिसिटी के आज के डेट में हमारे पास कोई क्या कोई यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं? सर इलेक्ट्रिक बजर में यूज होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक बजर्स वगैरह में इसका यूज रहता है, बच्चों की चप्पल में। हाँ, बच्चों की चप्पल में, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब वो प्रेस होता है तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स जो लगी होती है उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही होती है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि एक एनर्जी उसके अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, और फिर बच्चा जब आगे पैर पढ़ाता है तो वापस से वो प्लेट्स अपनी पुरानी पोजीशंस पे आती हैं और वो क्या करती हैं, साउंड और लाइट को एमिट करती हैं। तो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए शुरू से जुड़ी हुई थी, हम उसको अब वाइब्रेनियम के तौर पर ज्यादा इफेक्ट्स के साथ देख रहे होते हैं।